कुछ ज्यादा नहीं हो गया, मतलब कुछ भी। गाइस हम बस से उतर चुके हैं, अब हम चल के जा रहे हैं आगे, जहाँ सब जा रहे हैं, फिर हम जाएंगे मॉल रोड। भेड़ चाल फॉलो कर रहे हैं, मैं खिड़ गिर जाऊंगी। गाइस हम भेड़ चाल फॉलो करके आगे जा रहे हैं, हम फिर मॉल रोड घूमेंगे आगे, वहाँ हम थोड़ी शॉपिंग करेंगे, फिर हम जाकू मंदिर जाएंगे। ये देखो गाइस शिमला की वादियाँ जिसमें हम घूमते फिरते हैं। ये देखो, इतने घूमो, अभी तो इनकी सांस देखो, सांस देखो, अभी सांस। सोच रही हूँ मैं जूते पहन के, मेरे पैर में दर्द हो रहा है। और वो देखो गाइस जाकू मंदिर, वो आपको दिख रहा होगा, दिख रहा है ना, बहुत ज्यादा अच्छे से दिख रहा है। गाइस इस साइड आओ ना गाइस, अब देखो, अब हमें इतनी सी देर में हमारी सांस फूल गई, अभी जाना जाखू मंदिर है। और तब देख लो, तब इसका मुंह अभी देख, पैरों पे चढ़ते जो नहीं हालत खराब हो गई है ना पैरों की, अब तो और चढ़ना है और हालत खराब होगा। गाइस मैं 10 प्रोडक्ट्स नहीं यूज करती, मैं एक ही ऐसा लेती हूँ जिसमें हाईलाइटर भी हो, ब्लश भी। गाइस हम दोनों क्यूट लग रहे हैं ना, इन पर देखो हमें, सेम वही बोल दूं, कह दो कोई बात नहीं, गधे की टट्टी लग। दोस्तों में ऐसा चलता है, कहीं आप कहो कि ऐसे सब बोल रहे हैं, हम सब में ऐसा चलता है। We love each other. Yes. अब आपको मिलते हैं आगे, और गाइज हम जाखू मंदिर का अलग ब्लॉग बनाएंगे, वो भी देखना। गाइज थक गए हम, गर्मी में मर गए हैं, और बांदर भाई इतनी गर्मी है ना, और बांदर ऐसे घूम रहे हैं ना, अब इतने बड़े बड़े, अभी इसने देखा ना बांदर, और गर्मी में नहीं हुई मुझे ना, अभी छोड़ के वो पेप्सी पी रहा था, हाँ पेप्सी फेंक दी बंदर के लिए। और गाइस बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है, मेरे साथ हुआ हादसा, और अभी ऊपर जाके मिलते हैं, ऊपर जाके मिलते हैं गाइस। ये फट्टू इसने पेप्सी फेंक के मारी, गाइस इसने पेप्सी फेंक के मारी बांदर को, बांदर ने पी ली। गाइस ये भी बांदर, गाइस ये बांदर की दूसरी बहन है। गाइस देखो बांदर, गाइस ये बंदर का बच्चा और ये बंदर। गाइस अब मुझे फोन संभाल के रखना पड़ेगा कि बांदर हमारा ब्लॉग बनने ना दे, चोरी करके ले जाएंगे, तो काउंसिल मेंबर मेरी मदद करेगी मेरा फोन बचाने में, फोन बचाने में नहीं, मैं खुद आ जाऊंगी क्योंकि बांदर से सब चीजें के ले जाएगा, सबसे पहले हिमांशी को, क्योंकि ये एक्चुअली मेरा फ्रेंड है, बांदर की दोस्त है ये जो चली हुई आगे। तो गाइस अब हम माल रोड पहुंच चुके हैं, हमारी चढ़ाई चुड़ाई सब खत्म हो गया और हमें फ्री कर दिया कि अब जाओ घूमो, 3:30 बजे आ जाना अपनी दी गई लोकेशन पे। अब हम कुछ, और गाइस आपको सबसे अच्छी अट्रैक्शन पॉइंट दिखाती हूँ, चर्च की जो सामने है वो है इंडियन फ्लैग,
गाइस ये है चर्च के जस्ट सामने का झंडा और धूप बहुत है। अभी हम कुछ खाने के लिए सबसे पहले हम खाने के लिए इसलिए जा रहे हैं बिकॉज हम ये जब सब कुछ खाएंगे तो खाते वक्त हम अपना फोन चार्ज लगा देंगे। फ्रेंड्स भी आगे पीछे हो रखे, कोई मिल नहीं रहा ना। और फिर हम अपना फोन चार्ज लगा देंगे तो मैं आपको दिखाती हूँ अब जाके मॉल रोड, मतलब मॉल रोड पे तो हम हैं सॉरी चर्च जाके, और चर्च दिखाती हूँ मेन चर्च। आइसक्रीम ले ली है, फिर उसके बाद जाते हैं हम चर्च के पास, फोटोज क्लिक करते हैं, वीडियोस बनाते हैं। और यहाँ से हमने लिया है आइसक्रीम और इसको अब लगी है भूख, अब ये खाएगी आइसक्रीम का है ये देखो, और अब ये गुलाब जामुन भी खाएगी गाइस। देखो गुलाब जामुन भी आ गया, अभी ठूस से ही गुलाब जामुन, शर्म से तो जानी गाइस। ये ना शिमला की फेमस ट्रेडिशनल डिश है सिड्डू। लेनी तूने है नहीं खाना, मुझे आइसक्रीम खाने ले ली। ब्लॉग में सब कुछ बताना जरूरी होता है, ओके खा खा और गरम खा खा आ करके दिखा। चल गाइस अब मैं टेस्ट कर रही हूँ गुलाब जामुन विद आइसक्रीम सिया के कहने पे, बिकॉज मेरे को नहीं पसंद है, ये खा रही है और ये कार्रवाई कर रही है। अब इससे खिलाया भी नहीं जाएगा देखना, चार बारी तो गिर गया है मेरा ना दिल घट रहा है जैसे एक एक गिर रहा है ना बता रही हूँ। ठीक है सिया के हिसाब से, सिया के हिसाब से अच्छा है। तो गाइस हमने आइसक्रीम भी खा लिया, गुलाब जामुन भी खा लिया, अच्छे थे बहुत। और गाइस आपको पता है हमारे सब लव दोस्त अता उनका कोई चुप दो जा उनका कोई ज्यादा पता नहीं है, कोई चर्च में है, कोई कहीं घूम रहा है, कोई कहीं घूम रहा। तब हम जा रहे हैं चर्च और आपको दिखाते हैं चर्च। गाइस ये रहा शिमला का फेमस चर्च जो माल रोड पे है, हाँ फोटोज भी क्लिक कर रहे हैं। और गाइस अब हम जा रहे हैं चर्च में, फिर आपको दिखाते हैं। चर्च बंद है, हमें अंदर जाने नहीं दिया, 2 बजे के बाद भी कह रहे हैं शायद खुलेगा, तो अगर 2 बजे आके चेक, हाँ हम चेक करेंगे, अगर हुआ खुला तो हम आ जाएंगे, अंदर का ब्लॉग बनाएंगे वरना बाहर से बना लेंगे। और अब क्या हरकत, फोटोज खिंचवाते हैं गाइस। अब ना सिंगल सिंगल हमने सबकी फोटोज खींच ली, बहुत अच्छी अच्छी आई है, और हाँ चाहिए प्यारी सी क्यूट सी। और अब हमें अपने फोन की बैटरी चार्ज करनी है गाइस, पहले किसी को पकड़, जनता इतनी पकड़, किसी को जा पकड़ ले। चलो गाइस पहले हम फोन की बैटरी चार्ज करके फिर फोटोज खिंचाते हैं। क्या हो गया, व्हाट हैपेंड, मैं बैठ गई हूं, मेरे से उठा नहीं जाएगा, मेरी 10 फोटो और खींचो। ये ना मेंटल हो गया ना, मेरा पागल बना दिया ना, मेरी फोटो देख के चेप है, ये खिंड गई है यहाँ। गाइस यार चलो गाइस हम ना रास्ता भटक चुके हैं, कोई आगे है कोई पीछे है, ऑब्वियसली ये तो पैदल जाओगे,
पैदल जाओगे तुम? हाँ जी, अगर कैब चर्च के आगे से मिलेगी तो यहाँ पे कहाँ जा रहे हैं भाई? सकीना से गिफ्ट नहीं लेना तुम्हें कुछ अपने लिए? गाइज मेरी बात सुनो यार, चुप रहो गाइज। यो हम ना रास्ता भटक चुके हैं, अब हम सकीना और को वहाँ से लेके फिर हम कुछ लेंगे अपने लिए, फिर उसके बाद हम लेके फिर हम जाएंगे जाखू, वो आपको नेक्स्ट बार देखने को मिलेगा। हम आपको शॉपिंग करते मिलते हैं, हम क्या क्या खरीद रहे हैं क्योंकि क्योंकि हमारी लास्ट ट्रिप है, तो हम एक ऐसी चीज लेंगे जो हम सब सेम लेंगे और वो हमारी एक मेमोरी होगी कि हमेशा हमें याद रहेगा, तो आपको हम वो खरीदते हैं। जब ये देखो सब हम शॉपिंग करने के लिए आए हैं कुछ, पर पता है नहीं लेना क्या, इन्होंने कुछ नहीं लेना, बस देख दुख के और चले जाना है। सबका यही हाल है, ये देखो देख सब रहे हैं, ये देखो मुंह खोल खोल के इधर दिखा, मुंह बंद करके देख रहे हैं हम। मैं ही तो लेकर आई हूँ खींच के इन सब। ये देखो अंजलि भी पैसे खर्चेगी, जैसे इन्होंने सुनना है रेट इन्होंने दौड़ जाना है। हम सब ना ये बनवा रहे हैं एक, मतलब ऐसे इस पे नाम लिख रहे हैं, ये प्लेन है कौन सा है, ऐसे शेप अलग है ना, ये प्लेन पे हम नाम लिखवाएंगे अपने अपने, जैसे अंकल लिख रहे हैं तो हम आपको अपना नाम लिखवाते मिलते हैं। मैंने आपको कहा था ना हम सबके लिए गिफ्ट्स ले रहे हैं, तो ये देखो ये गिफ्ट्स है हमारे, मतलब हमने रहा था एक्चुअली पूरी दुकान लूटी। हाँ सही में हमें आधा पौना घंटा लग गया, ये देखो सबने, मतलब ये मैंने मम्मा पापा को बताया नहीं, ना ही वंश को बताया, तो मैंने उनके लिए गिफ्ट लिया है। हाँ जी, तो गाइज ये हमने कुछ मैंने शॉपिंग करी है शिमला से, ये सबने अपने लिए बनवाया किचन, हम इसको अपने बैग पे लगाएंगे। तो इस ब्लॉग के लिए इतना ही, मिलेंगे आपको नेक्स्ट ब्लॉग में जो होगा जाखू मंदिर का ब्लॉग, हम जा रहे हैं तो आपको मिलेंगे वहाँ पे। गाइज इधर आओ, मैं सबका एंडिंग कराओ। तो गाइज इस ब्लॉग के लिए इतना ही, मिलेंगे जाखू मंदिर, हमारा नेक्स्ट ब्लॉग होगा तो मिलते हैं वहाँ पे। बाय बाय, हमारे हाथ ऐसे बिजी, तो बाय बाय। सो हे गाइज वेलकम बैक, पहले बिच्छू हिमांशी को बताना।